बच्चा इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर टू पॉलिमियल से बच्चा केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें लिखा है फेरस चेन अटैच विद मेटल पोस्ट फेरस चेन मीन्स लोहे की चेन है बच्चा आयरन चेन देखो ये आयरन चेन आपको दिख रही होगी पॉइंटर पे ध्यान देना ये आयरन चेन है और उसको टाई किया गया किससे बच्चा मेटल पोस्ट से ये पोस्ट है पोस्ट यानी कि एक तरह से खंबा हो गया उससे चेन बांधी गई है देखो बच्चा यू शेप में है चेन और ऐसी और चेन है देन वी हैव अ पोस्ट ओके और इसको इज एज अ बाउंड्री इसको एज अ बाउंड्री यूज किया गया किसी मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा ही लग रहा है मॉन्यूमेंट है इन द शेप ऑफ पैराबोला और जो ये फेरस चेन है बच्चा किस शेप में है पैराबोला के शेप में अब इसका पोलिनोम से क्या रिलेशन है बच्चा ये समझना है आपको जो ये पैराबोला शेप होती है ना बच्चा ये किससे रिप्रेजेंट करती है ग्राफ ऑफ द कॉड्रेटिक पॉलिनोम के ग्राफ को, और पैराबोला शेप जनरली इस तरह की होती है यू शेप और ये बच्चा अपवर्ड ओपन है अपवर्ड ओपन है और एक डाउनवर्ड ओपन पैराबोला भी होता है like तो दो तरह के पैराबोला होते हैं अपवर्ड ओपन जो इस क्वेश्चन में दिया है और डाउनलोड ओपन इस तरह का होता है ओके okay? अब इस पे बेस्ड बच्चा थ्री पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन के हम वन बाय वन ईच पार्ट सोल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट में पूछे हाउ मेनी जीरो पोरिनोम शेप ऑफ चेन दो ये पोलिनोमियल का ग्राफ है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है शेप ऑफ द चेन को पैराबोला की शेप है हमें ये बताना है कि इस पोलिनोम के कितने जीरो होंगे बच्चा एनसीआरटी बुक में आपने पढ़ा है जितने पॉइंट पे जो ये ग्राफ है एक्स एक्सेस को कट करेगा किसको ध्यान रखना एक्स एक्सेस को कट करेगा उतने ही जीरोस इस पॉलिनोमियल के होंगे इवन पोलिनोम के अब देखो बच्चा ये जो ग्राफ है पैराबोला ये एक्स एक्सेस को टू पॉइंट पे कट कर रहा है एक तो इधर जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट फोर है फोर कॉमा जीरो पे और सेकेंड पर कट कर रहे माइनस टू कॉमा जीरो पे ओके दिस मीन तो पोलिनोम के कितने जीरोस होंगे बच्चा टू जीरो तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर होगा द हैज टू जीरोस अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं सेकंड पार्ट में क्या लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोम रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ अब इस ग्राफ से जो जीरो रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन जीरो की वैल्यू हमें निकालनी है ओके okay. तो इसमें दो जीरो आ रहे हैं एक तो फोर जीरो कर रहा है एक्स कॉर्डिनेट और माइनस टू कॉमा जीरो वाले कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस टू है यानी कि दो जीरो जो होंगे ना इसके गिवन पोरिनोम एंड माइनस टू में यानी कि एक 0, 4 जीरो फोर और सेकेंड जीरो

सम मीनस इन दोनों जीरो को प्लस कर दो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन इन दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर दो तो अब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं दोनों जीरो को ऐड करना है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाई करना है माइनस टू मल्टीप्लाई बाई फोर सो पॉलिमिल होगा के एक्सक्र इधर माइनस आएगा अब बच्चा इसको सोल्व करते माइनस टू प्लस फोर माइनस प्लस माइनस फोर माइनस टू टू तो ये टू एक्स हो जाएगा और इधर बच्चा टू मल्टीप्लाई फोर एट होगा और माइनस प्लस माइनस एट हो जाएगा क्योंकि माइनस एट तो हो जाएगा तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोम एक्सक्वाइनस टू एक्स माइनस एट ये कई बच्चा लिखो या नहीं लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा अब हम इसका सेकंड चॉइस सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट की इसमें लिखा है वन जीरो हमें क्या दिया है माइनस सिक्स अब लो इसके जीरो हम अल्फा और बीटा मान ले ठीक है तो इसमें अल्फा हमें माइनस सिक्स दिया है और सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया है माइनस टू दिया है. और हमें क्या बोला फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन एज पॉलिनोमियल अगेन हमें पॉलिनोम फॉर्म करना है और पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला हमारा फर्स्ट चॉइस वाला ही रहेगा जो इधर लिखा है बच्चा देखो पॉइंटर पर ध्यान देना ये सेम फॉर्मुला रहेगा

6 में से टू गए फोर और साइन ग्रेटर का तो बीटा 4 हो गया या यानी okay? तो अब हम अगर करना चाहें, जिसका जीरो चॉइस तो में यूज किया तो के इन टू एक्स स्क् माइनस माइनस सम ऑफ जीरो माइनस सिक्स है और दूसरा जीरो प्लस फोर है तो माइनस सिक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर ऑन सॉल्विंग के इधर आ जाएगा एक्स इधर माइनस आएगा फिर देखो बच्चा माइनस सिक्स प्लस फोर अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस सिक्स में से फोर गए टू साइन ग्रेटर का तो माइनस टू एक्स प्लस अब माइनस सिक्स इंटू फोर करेंगे तो सिक्स फोर था ट्वेंटी फोर और माइनस प्लस माइनस ट्वेंटी फोर अब बच्चा इसको आगे सॉल्व करें तो ये होगा एक्स स्क् माइनस माइनस प्लस टू एक्स और प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी फोर तो ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया तो इस तरह से बच्चा हमने कर लिया है